hello students a very good morning to all of you uh, i hope you student you all students are fit and fine and doing well at your home and you all are paying proper attentions towards your studies also so, students, in the previous video lecture, we have discussed the two questions that is the difference between soil erosion and soil conservation, and the names of names the name the agent causing soil erosion. Now, today we will discuss how is afforestation differ from deforestation. First of all, we'll discuss what is afforestation and what is deforestation. Aforestation means plantation of trees, deforestation means cutting of trees. This is the main difference between Afforestation and deforestation. Now, I will show you in this answer. Afforestation is the planting of trees in the previously barren environment, and deforestation is the destruction of trees and forest for human activities and use. मतलब पेड़ों को काटा जाता है उसमें उसमें बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं और उसको उस उस जगह को उस जगह पर पेड़ों की कटाई करने के बाद बिल्डिंग्स बनाने के लिए रोड्स बनाने के लिए रेलवेज बनाने के लिए कटाई की जाती है एफॉरेस्टेशन हैज़ ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द एन्वायरमेंट क्योंकि ये बेनिफिशियल इफेक्ट देता है इनवायरमेंट में और ये बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं देता है इन्वायरमेंट में the main reason for afforestation is to control carbon footprints to the ensure the sustainability to the natural environment means if ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो एनवायरमेंट ग्रीन होगा हेल्दी होगा लोग आराम से फ्रीली सांस uh, ले सकेंगे एनिमल्स भी फ्रीली uh, रह सकेंगे उनके लिए एक नेचुरल शेल्टर मिल जाएगा बट डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन और लेकिन डिफॉरेस्टेशन किसका डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा ज़्यादा होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और अर्बनाइजेशन होगा शहरीकरण होगा और उद्योगिकरण होगा ये दो चीज़ होंगे लेकिन जो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा लोगों को ग्रीनरी नहीं मिलेगी लोगों को फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा क्लीन एंड क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा एफॉरेस्टेशन कैन इंश्योर बैलेंस एंड सर्वाइवल ऑन टू ऑल लाइफ्स ऑन अर्थ deforestation is if left unchecked leads to global warming and rising sea level and encroachment इसका मतलब इससे global warming increase होगी हाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और भी अदर जो डेंजरस गैसेस हैं उसकी मात्रा बढ़ जाएगी जिसकी वजह से लोगों में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ओके तो ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट जो है डैम्स एंड एम्बैकमेंट दिस ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू बाय मेकिंग दिस वीडियोस। टिल देन यू जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली नीट एंड क्लीन इन योर फेयर कॉपी दिस इज विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर कॉपी ओके I hope that you all have written first to five question answer and today I have given you the sixth answer. Just complete it in your copy. And next questions that is uh, mention how do we conserve following soil erosions, dams say embankment say uh, embankment matlap और एफॉरेस्टेशन टेरेस फार्मिंग इनसे कैसे हम लोग सॉयल को कंजर्व कर सकते हैं ये भी हम इसके भी क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ठीक है आज के लिए बस इतना ही अब आप लोग एक काम करेंगे इस चैप्टर को पूरा प्रॉपरली रीड करेंगे आई हैव गिवन यू द होमवर्क टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो बट नन ऑफ यू हैव शोन टू मी रीड दिस चैप्टर क्लियरली एंड होप दैट यू ऑल स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को अम्बैकमेंट मतलब अम्बैकमेंट मीन्स एन अदर वे टू कंजर्व सॉयल इज बाई मेकिंग डैम्स एंड अम्बैकमेंट टू प्रिवेंट वॉशिंग अवे ये अम्बैकमेंट मतलब तट को बांध देना ये जो किनारे को बांध देने की वजह से क्या होगा जो पानी का फ्लो होता है उससे जो आसपास की जो ग्रीन पौधे होते हैं जो यहाँ की सॉइल होती है वो सॉइल भी पानी के बहाव से बह जाती है अगर हम इस तरीके से उसको बांध दिया जाएगा इस तरीके से पक्की दीवार से उसको तट को बांध दिया जाएगा किनारे को बांध दिया जाएगा बांधने की वजह से क्या होगा जो फ्लो है पानी का वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा ठीक है और Another way to conserve soil is by making dams and अम्बैकमेंट to prevent washing away by soil. ये जो पानी अगर यहाँ से पानी जो बह रहा है इसी पानी के बहाव से साइड साइड से सॉयल भी इसके साथ बहती चली जाती है और जो सारा जो यहाँ का सॉइल है बह करके कहीं और चला जाएगा पानी के बहाव के साथ और यहाँ की जो फर्टिलिटी है इस एरिया की जो फर्टिलिटी है वो यहाँ की ख़त्म हो जाएगी इसलिए अम्बैकमेंट्स को बनाया जाता है ताकि जो फ्लो है उस हिसाब से कंट्रोल हो सके और जो सॉइल है उसका भी फ्लो को रोका जा सके तो दिस आर द दिस आर द देश टू कंजर्व सॉइल एंड होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड ये देखिए मैंने आपसे कहा था कि हम बैकमेंट एक बार और डिस्कस करेंगे तो आज हमने एम्बैकमेंट को डिस्कस किया ये देखिए डैम्स हैं डैम्स को इसलिए बनाया जाता है ताकि जो फ़्लो है पानी का उसको रोका जा सके रोकने की वजह से क्या होता है जब पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि पानी अपने साथ साथ कई चीज़ें अपने उस अपने साथ बहा ले चलती हैं उसी की वजह से डैम्स बनाया जाता है ताकि जो फ्लो है पानी का उसको कंट्रोल कि उस, किया जा सके और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर उतना ही पानी छोड़ा जा सके तो ये दैट इज़ वाई पीपल कंस्ट्रक्ट डैम okay so these are the two ways to how uh, uh, i will give you the answer how we will construct uh, how we will uh, conserve soil by constructing dams embankment enforce, uh, afforestation and terrace this i will explain you in the next video lecture and i will also uh, tell you the uh, take the correct answer of this hope you all have understood okay students and uh, watch the videos carefully and wait for the next video.